मंजूर, जनरली ये कहा जाता है कि इनहेरिट भी यही किया गया है, यानी हमजा शहबाज साहब एडमिनिस्ट्रेटिव मामला को देख सकते हैं और मरियम नवाज साहिबा जो है वोट ले सकती हैं NA 120 की कैंपेन के अंदर। हम लोगों ने जिस तरह से देखा कुलसुम नवाज साहिबा के लिए उन्होंने कैंपेन की, लेकिन मसला भी तो यहीं से शुरू हुआ था कि मरियम नवाज साहिबा को सियासी जानशीन नहीं कहा गया था, हमजा शहबाज साहब को सियासी जानशीन कहा गया था, और जब मरियम साहिबा आई सामने तो फिर मसला बन गया। आपने भी उनका इंटरव्यू किया हुआ है, आपको लगता है कि वो भी वोट लेने की कैपेबिलिटी रख सकती हैं और इस सियासी मसले को हल कर पाएंगे? दोनों भाइयों में जिस तरह आपने फरमाया ना कि एक उनकी ज़ात है नवाज शरीफ साहब की जिसको लोग देख के वोट देते हैं, और शहबाज शरीफ साहब के काम हैं जिसके देख के लोग वोट देते हैं। मरियम और हमजा में भी कुछ इस तरह के डिफरेंस है, लेकिन एग्जैक्टली ये क्वालिटीज नहीं है। हमजा की जो क्वालिटी है वो है ग्रास रूट तक जाना पॉलिटिकल कैंपेनिंग के हवाले से, ही इज़ वेरी गुड एट दैट, चाहे वो लाहौर लेवल की हो चाहे पंजाब लेवल की हो। NA 122 का या सादिक साहब का जब इलेक्शन हुआ था तो हमजा शहबाज जो थे वो साथ साथ थे या सादिक साहब के, आखिरी जो जलसा डूंगी ग्राउंड समनाबाद में हुआ था उसमें उनके साथ जाके खड़े हुए थे, तो ये उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। मरियम की जो क्वालिटी है वो शी गिव्स द सॉफ्ट फेस ऑफ मुस्लिम नून, वही मुस्लिम नून जिसको 90s के अंदर कहा जाता था कि किसी औरत की हुक्मरानी के खिलाफ वो लोग आवाज़ बुलंद करते थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखते हुए, और इनके ऊपर एक राइटिस्ट जमात होने का इल्ज़ाम लगता था। आज वही मरियम को प्रमोट कर रहे हैं, और CEC के अंदर दोनों नामों को शामिल करने का मकसद ये है कि मरियम ने सोशल मीडिया के ऊपर जो काम किया है मुस्लिम नून को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हथियार था, उसी हथियार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिट किया है, पूरा मीडिया सेल बना के मरियम को ये एडवांटेज आता है। लेकिन दोनों की क्वालिटीज के हवाले से अगर आप कंपेयर करें, मेरी जो मुस्लिम नून के लोगों से बात हुई है सीनियर लोगों से, वो एक्चुअली मरियम को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, वो समझते हैं, हैं या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो इंटेलिजेंट समझते हैं। वो समझते हैं कि हमजा अभी अपने उस लाहौर और पंजाब का वो जो एक सफेयर है उसमें से बाहर नहीं आ सके। इंटरेस्टिंग के चौधरी निसार साहब तो कहते हैं मैं मरियम नवाज को कभी अपने लीडर के तौर पर देख नहीं सकता, बच्ची के तौर पर ठीक है, लेकिन लीडर नवाज शरीफ साहब है मरियम नहीं हो सकती। चौधरी निसार साहब एक तो मैटर नहीं करते, इसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ी जो निशानी है वो आज जावेद हाशमी साहब का यहाँ पे आना है। सही है। जावेद हाशमी साहब जब पार्टी छोड़ के गए थे उसमें बहुत बड़ी वजह चौधरी निसार साहब थे। चौधरी निसार आज जब इनके साथ मियाँ साहब के साथ मुलाकात हुई, आपने अगर वो पिक्चर्स उठा के देखें वीडियो उठा के देखें, सब मौजूद हैं, चौधरी निसार मौजूद नहीं। ये तो वो बात नहीं हुई कि आपने एक को बुला लिया दूसरे को जाने दिया, नहीं वो तो चौधरी निसार साहब की इंपॉर्टेंस तो वाकई बहुत हद तक कम हो चुकी है, उनकी दी हुई बातों को वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जो एक जमाने में मिला करती थी। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि जनाब आप अपने हदूद में रहिए। अच्छा, चौधरी निसार को भी नवाज शरीफ कभी नहीं निकालेंगे, ये मैं आपको भी से बता दूं, कभी भी नहीं निकालेंगे, उन्हें भी ड्रेन करेंगे, वो ड्रेन आउट करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे, क्योंकि चौधरी निसार को भी इस बात का पता है कि मैं मियाँ साहब के मियाँ साहब से हटके उनके बगैर मैं भी कुछ नहीं हूँ। उनके हलके में मैंने जाके देखा है, उनके हलके के अंदर उनको भी पता है कि उनको शेर का बहुत वोट मिलता है, शेर अगर निकल गया बीच में से तो चौधरी साहब पिंजरे में अकेले खड़े होंगे, शेर उनके साथ नहीं होगा, एंड विल ही गेट द वोट्स और नॉट, आई डोंट थिंक सो ही विल। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है मंसूर ने जनरल साहब, जनरल साहब की तरफ मैं जाती हूँ भी थोड़ी देर में, लेकिन ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि चौधरी निसार साहब और शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो कहा जाता था कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ भी जा सकते हैं या उन लोगों की तरफ, या उनका माइंडसेट अलग है और नवाज शरीफ साहब का माइंडसेट अलग है, नवाज शरीफ साहब की बिल्कुल सेपरेट थॉट है, उनकी बिल्कुल सेपरेट थॉट है। अगर चौधरी निसार साहब को साइड पे किया जा रहा है या उनकी माइंडसेट को साइड पे किया जा रहा है, तो उसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के माइंड को भी एक तरह से पैगाम दिया जा रहा है कि देखें अपनी थॉट्स को भी कंट्रोल में रखें, चौधरी निसार का हमने क्या। मुशर्रफ साहब के दौर में शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर स्लॉट की पेशकश हुई थी उस दौर में, सही, जब इतनी बड़ी स्लॉट ऑफर हो गई थी, और तब उन्होंने भाई को नहीं छोड़ा था, मुस्लिम लीग को तब नहीं तोड़ा था, तो वो अब क्या तोड़ेंगे। मैं एब्सोल्युटली रबिश समझता हूँ इन तमाम कंस्पिरेसी थ्योरीज को कि दोनों भाई आपस में बढ़ जाएंगे या नून लीग टूट जाएगी, ऐसी कतई तौर पे कोई बात ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, खाने की टेबल पे मियां दोनों जो बरादरान बैठे होते हैं ना, जब तक नवाज शरीफ साहब पहला नवाला ना ले लें शहबाज शरीफ साहब खाना नहीं शुरू करते। ये दोनों भाइयों के आपस में रिस्पेक्ट का अमल है, और मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब जो रुतबा घर के अंदर उनको हासिल था, आज नवाज शरीफ साहब को रायविंड के अंदर उस घर के अंदर वो रुतबा हासिल है। शहबाज शरीफ साहब नो मैटर व्हाट हैपेंस कभी भी नवाज शरीफ साहब का रास्ता नहीं काटेगा।